क्या हुआ भाई साहब? इसे तो हटा कौन है बेतू? सॉरी भाई। वालेकुम सलाम भाई साहब, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया। जी जी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ? बैठ, मैं कुछ कर इंतजाम करता हूँ तेरे लिए, बैठ जा तू। शुक्रिया भाई साहब, जल्दी इंतजाम करें। भाई साहब आप मेरे लिए फरिश्ता सिफात इंसान हो। जी सही, मेहरबानी। और मेरा बेटा कहाँ चला गया? अहमद बेटा, एडे थर। हाँ? हराम खोर, तू ज्यादा मस्के ना लगा, तेरा काम करता हूँ मैं, खाना मंगवा रहा हूँ तेरे लिए। ये पता नहीं बेटा मेरा कहाँ हम तू मर गया। ओए थारी था, जल्दी कर बेटा थार। भाई साहब, हाँ, फार्म आपका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है। अच्छा, आपको एक बंदा बुला रहा था उधर चौक पर। मुझे? जी जी, चलो मैं निकलता हूँ, वो मेरा बेटा आ रहा है, नाम मुराद अहमदू। ठीक है, वो तेरे लिए खाना लाएगा, उसे बोल कर जाओ जल्दी लाए खाना। हाँ, वो खाना ला रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम अंकल जी, मुझे अप्पू बुला रहे थे, वो कहाँ चले गए? बेटा मैं हूँ आपके अप्पू का खास दोस्त, और जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और हाँ, आपके अब्बू इसलिए आपको बुला रहे थे। जी जी अंकल, आप खाने में क्या पसंद करेंगे? आज सही मौका मिला है खाना खाने के लिए, आज तो मैं पेट हला हला के खाना खाऊंगा। हाँ? बेटा वैसे मैं आजकल हूँ डाइट पर, ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगा। पैसा करें, थोड़ा सा मटन कढ़ाई लेकर आए, 2 किलो काफी, मैं गुजारा कर लूंगा। हाँ? 10-15 पराठे हो, वो भी देसी घी वाले, ज्यादा ना हो, आपको तो पता है मैं डाइट पर हूँ। नानी शुक्र है आज डाइट पे, वरना मेरा पने आज क्या होता। और बेटा ऐसा करो, साथ में थोड़े से अंडे भी लेकर आओ मेरे लिए, 2 दर्जनों काफी हैं मेरे लिए, आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ। जी अंकल अभी लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाजी किया ने तुम्हारे? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पाजी तुसी सुनाओ? जी अल्लाह का शुक्र से। पाजी वैसे आप हो कौन? जी भाईजान मैं हमजा व्यापारी हूँ, और गुरु भाई से मैं ये जानवर खरीदने आया हूँ, और पैसे भी साथ मिलाया हूँ। आज सही मौका मिला है, इसको चूना लगाता हूँ। जी जी भाई, मैं हूँ गुरु भाई, ये जानवर भी मेरे हैं, बताओ आपको कौन सा जानवर चाहिए? जी जी भाईजान, मुझे ये सामने वाला भैंस चाहिए। ठीक है भाईजान, अभी दिखाता हूँ, चलो देखते हैं इसको। इतना देख लो, चेक कर लो इसको। जी भाईजान, जानवर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अब इसकी कीमत क्या है? भाईजान इसकी फाइनल कीमत है 5 लाख, मैं तुमसे इसका 5 लाख लूंगा। हाँ? भाईजान 5 लाख तो ज्यादा है, अगर जानवर देना है तो बताओ, मैं 3 लाख दूंगा आपको। वली बेच दे, तेरा क्या, 3 लाख तो मिल रहे हैं ना। भाईजान। जी जी, बेचना है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, बेचना है बेचना है। भाईजान तो मैं डील पक्की समझूं? जी भाईजान पक्की समझो, पक्की। नानी आप इसको ले जाओ। वाह हमजा वाह, मालिक को अच्छा चुना लगा तूने आज, 5 लाख वाला जानवर 3 लाख में ले लिया, पूरे 2 लाख का मुनाफा। जल्दी से चल खोल इसे, कहीं से वो मुकर ना जाए फिर दोबारा से। ये कौन है? ये कर क्यों रहा है? ये खबर लेता हूँ इसकी। ओ भाई खैरियत है, कौन हो तुम? भाई साहब तू मेरे जानवरों के साथ कर क्या रहा है, मुझे ये बता। तेरे जानवर है? गोलमाल है भाई। जी जी। गोलमाल है। तू है कौन, तू कर क्या रहा है इधर, मुझे ये बता। नहीं तू कौन है? मैंने तू है कौन या तू कर क्या रहा है, मुझे ये बता, मेरे जानवरों के साथ तू क्या कर रहा है? तुम्हारे जानवर कहाँ से है, तू है कौन भाई जान? अरे भाई मैं मालिक हूँ इसका, मालिक हूँ फार्म का, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं भाई जान, असल मालिक से अभी मैंने 3 लाख में ये खरीदा है।
लगता है पुलिस बुलवानी पड़ेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा। रोक, अभी बुलवाता हूँ पुलिस को। नहीं नहीं, अगर आप मलेगे तो वो कौन था जो अंदर बैठा था? ओ, अरे भाई वो मुसाफिर था, खाने की तलाश में आया था। है भाई, सब गोलमाल है। वो मुसाफिर था।